अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली असीम हाजिर है फिर नहीं एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली असीम का सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को हाथी सुंडी जड़ी बूटी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों हाथी सुंडी जड़ी बूटी को इसके अलावा जवान बूटी भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे जो है इंग्लिश के अंदर इंडियन हेलीस्ट्रॉप भी बोला जाता है। दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है हेलियोट्रोपियम इंडिकम प्लांट बोला जाता है। हाथी सुंडी जड़ी बूटी के ऊपर लड़ीनुमा फूल उगते हैं। और दोस्तों जिसकी शक्ल हाथी के सूंड की तरह की होती है इस वजह से हाथी सुंडी जड़ी बूटी बोला जाता है। और दोस्तों ये जड़ी बूटी वाइडली जो है एशिया के जो है वीरान इलाकों के अंदर, कब्रस्तानों के अंदर, खाली प्लॉटों के अंदर अक्सर उगी हुई नजर आती है। और दोस्तों इंडियन स्टेट तमिलनाडु के अंदर इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मिजाज के अंदर गर्म खुश्क होती है। और दोस्तों हाथी सुंडी जड़ी बूटी का सफ़ूब भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके पत्तों का लेप बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे मजूनों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे कुश्ता जात भी बनाए जाते हैं। इस हाथी सुंडी जड़ी बूटी के पत्तों के सफ़ूब का कहवा बनाकर भी पी सकते हैं, इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं। और दोस्तों गर्म खुश्क होने की वजह से मर्दाना कमजोरी के हवाले से नुस्खा जात के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये जिल्द के लिए बेहतरीन है, स्पेशली जिल्द ख़राब हो जाए, दाद है, कोई चंबल है, कोई धद्दर है, कोई ख़ारिश निकली हुई है, तो दोस्तों ये ख़ारिश का सौंफ से इलाज करती है। और दोस्तों इसके जो अर्क को सरसों के तेल के अंदर मिक्स करके आप जिस्म के ऊपर लेप कर सकते हैं, चंद दिन के इस्तेमाल के बाद आपकी ख़ारिश दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा ऐसे अफराद जिन्हें बालशर की बीमारी है, जिन्हें अक्सर दाढ़ी के ऊपर या सर के ऊपर उनके बाल जो उतरना शुरू हो जाते हैं मखसूस जगहों से, तो वहाँ पे इस पौधे के अर्क को आप लगाएं, तो चंद दिन के इस्तेमाल के बाद आपकी बालशर की बीमारी जो है 100% दूर हो जाएगी। और दोस्तों इसे आंखों के हवाले से जो अद्वियात बनाई जाती है, आई ड्रॉप्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसके अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों गुर्दे मसाने की पथरी को यह दूर करती है, अल्सर को यह दूर करती है, सो मैदे के अंदर निज़ाम निज़ाम को दुरुस्त करती है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनके खून के अंदर बहुत जहरीले असरात हैं तो ये खून को साफ करती है। और दोस्तों पुराने बुखारों को भी यह दूर करती है। और दोस्तों जिस्म के अंदर किसी भी हिस्से में कोई गिल्टी बन रही है, कोई ट्यूमर बन रहा है, किसी जगह पे सोजिश हो रही है, उसे दूर करती है। और दोस्तों आंतों के अंदर भी जो जख्म हो जाते हैं उसे भी ये दूर करती है। और दोस्तों हाथी सुंडी जड़ी बूटी खुशक फार्म में आपको हर छोटे मोटे बड़े पंसारी शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसे हर्बल ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। चले दोस्तों ये तो हाथी सुंडी जड़ी बूटी यानी इंडियन हेलीस्ट्रॉप हर्ब के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट सब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों अगर आप इसे इनटेक ले रहे हैं, इसके जो मकदार खुराक है 1 से 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक दिन के अंदर। दोस्तों आपके इसके पत्तों के पौधों के जो सफ़ूफ को 1/2 टीस्पून के करीब 1 कप पानी के अंदर जोश दे दें, उसके बाद इसे छान कर इसके कहवा या टी पी लें तो आपको इंटरनली ये तमाम बेनिफिट्स दे देगी। और दोस्तों इससे ज़्यादा इसे इस्तेमाल ना कीजिएगा, इनटेक मत लीजिएगा, क्योंकि ये गर्म खुश्क है। और दोस्तों गर्म खुश्क होने की वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर को हाई करती है, जिस्म के अंदर बेचैनी पैदा करती है, ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी नींद उड़ सकती है, बरूनी तौर पर जिल्द पर ज़्यादा लगाने से और दोस्तों बर्निंग सेंसेशन करती है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी हाथी सुंटी जड़ी बूटी यानी हेलीस्ट्रोपियम इंडिकम के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है हाथी सुंडी जड़ी बूटी के हवाले से तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मजीद किसी भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मालूमती वीडियोज़ ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो आप मेरी दूसरी वीडियो मेरी वीडियो सेक्शन में जाके दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें, ओके, जिला हाफिज़, टेक केयर।